तुम्ही कसे इकडे राहिलात? तुम्हाला बरी सोडून जाईन हो मी, जा रहे हैं ना घर छोड़ के आपके लाडले बेटे के पास अमेरिका। नहीं, उसको नहीं रहना यहाँ पर। वो कहता है कि यहाँ पर पोल्यूशन है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब उसके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते। तुम ही इथे रहा, सगळ्यात वर सामानाची काळजी तुम्हीच घ्यायची आहे। जवळजवळ 8 बॉक्सेस आहेत, हां, सगळी आली पाहिजेत। आल्बम बघूया जरा। देवा पांडुरंगा, श्री हरी श्री हरी। बिना दाढ़ी मूछ के अच्छे लगते थे। देवा, आई आप सोई नहीं? अरे बड़ा, इतने का नींद ही नहीं आ रही है। हाँ आई, मैं समझ सकता हूँ। 30-35 साल एक घर में रहने के बाद उस घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। आई नो, घर बेचना बहुत जरूरी है क्या रे? नहीं आई, साथ रहना जरूरी है। और अब यहां कैसे अकेली रहोगी तुम? कैसे अकेली मतलब क्या? मैं अभी तक तो रहती आ रही हूं ना अकेले। 12 साल हो गए अकेली ही रह रही हूं। कभी कंप्लेंट नहीं की ना तुझे? कंप्लेंट की मैंने, इतनी भी शिकायत की क्या? कभी इतनी भी तकलीफ बताई मेरी तुझे, फिर अकेली कैसे रहोगी? नहीं आई, पर मैं कैसे जीता हूं ये सोच करके तू यहां पे अकेली है, उसका क्या? मैं बहुत तकलीफ देती हूँ क्या तुझे? हाँ, पर बड़ा मैं अकेली नहीं हूं, ये है मेरे साथ 24 घंटे। इतना एहसास है रे इस घर में, इन्होंने बनाया नहीं ये घर अपने मेहनत से। इस घर से पहले जिंदगी भर भाड़े पे रहे हैं। पहला घर यही एक कड़ी है हमारे ना, इसको भी तोड़ के चले जाए। भाई आप समझ नहीं रही है। तू नहीं समझ रहा है, ये घर कितना शुभ है। तू पैदा हुआ इस घर में, 7 साल के बाद तू पैदा हुआ, तुझे पता है? तेरी यादें नहीं है क्या इस घर में? तू यही पैदा हुआ, यहीं से स्कूल गया, कॉलेज भी यही हुआ। मेरी तो इस घर के हर एक कोने में यादें हैं। ये देखिए दीवार, याद है तुझे? तेरी हाइट नापा करते थे, तू हर हफ्ते आता था, बोलता था मेरी हाइट बढ़ गई, आई नापो। पर मेरी हाइट बढ़ती थी। हाँ बढ़ती थी, ऐसा खड़ा रहता था। पता है? ये फोटोग्राफ देखे, ये ग्रेजुएशन की। हाँ, कितना पतला था तू। तूने यहाँ पे वो ग्रेजुएशन की टोपी पहनी और यहाँ पर मैं कामयाब हो गई, सब मुश्किलें खत्म हो गई थी। और ये वाली कितना क्यूट, मैं तुझे लड़की के कपड़े पहना दी थी। क्या ये अभी? सच कहो, तू जब पेट में था ना, मुझे बहुत लग रहा था कि मुझे लड़की हो जाए। लड़की तो नहीं, मेरा खूबसूरत बच्चा हो गया, सबसे खूबसूरत। अरे आई, ये सोफे का कवर चेंज किया क्या? हाँ, लास्ट ईयर चेंज किया, फट गया था सोफा, वही है ये। और ये रागिनी इधर आके बैठी थी ना? रागिनी इधर आके बैठी थी, पहली बार आई थी तभी, तू इधर ही था।
आणि मी इथेच होते ऐसे ही. मुझे एक बात बता, तुमने रात को जिस दिन रागिनी आई थी उस दिन रात को मुझसे ये क्यों कहा कि शादी करूंगा तो रागिनी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा? अभी कैसी बातें करते हो, वो लव मैरिज थी तो मुझे लगा आप मना कर दोगे. हाँ हाँ, कभी मना किया है तुझे किसी भी बात के लिए? तूने जो मांगा तुझे दिया, जो कहा वो किया. अभी बोला तूने घर छोड़ दो. अरे यार, ये वही टेबल है ना जहाँ पे जो सागर ने तोड़ दी थी, ये वही? हाँ, तोड़ा नहीं था रे बेचारे का, बैट वैट कुछ गिर गया तो ये जरा सी कांच टूट गई थी, वो लगाने बस. पर ये अभी तक रखा हुआ है आपने? ये तेरे परदादा का है, वो टाइम से थोड़ी बेचेंगे, ऐसा नहीं होता. देखा देखा कितनी यादें तेरी भी जुड़ी है इस घर से, और तू बोलता है. अरे आई, हम नई यादें बनाएंगे अमेरिका जाकर, नए दोस्त, नई जगह, और जहाँ फैमिली होती है ना वहीं पे यादें बनती, और वहीं घर होता है. देखो सागर, प्रिया, रागिनी सब आपको कितना याद करते हैं, और आप यहाँ पे अकेली रहती हो ना तो मुझे बहुत डर लगता है कहीं कहीं आपको कुछ हो ना जाए. अरे ऐसे कैसे कुछ होएगा? मुझे एक बात होता, दुनिया में मैं क्या पहली औरत है जो अकेली रह रही है? ख्याल रख सकती हूँ मैं अपना, और ये मुझे आदत है यहाँ की तो सब. आई वो तो है, मैं 6 साल का था जब बाबा हमें छोड़ के चले गए थे, तब से आपने तो मुझे संभाला है. अब मेरी बारी है, प्लीज अब मुझे आपका ध्यान रखने दीजिए, और ये प्लीज अभी ये बंद कीजिए, रात बहुत हो गई है, ये हम कल देख लेंगे. कल इतना लंबा दिन है, सुबह कार्गो वाले के पास जाना है, डॉक्यूमेंट साइन करने, फिर उसको घर की चाबी भी देनी है. चाबी किसको देनी है? ये घर की चाबी? हाँ. अरे पागल हो गया, पैसा नहीं आया अभी तक उसके पास से चाबी देंगे? अरे बैग खुलेगी, पासबुक भरेंगे तब मालूम पड़ेगा. भाई सब पैसा आ चुका है, ये देखो सारा पैसा आ गया. ये बैंक है, बैंक का है ये सब. इस पे पता चलता है. भाई दुनिया कहा कि कहाँ पहुंच गई, आप इधर तक ही अटके पड़े हो. आप अमेरिका चलो, आपको सब दिखाते हैं. मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता. चलो मेरे को बहुत नींद आ रही है. देवा पांडुरंगा उठाओ रे बाबा, लाइट कौन बंद करेगा? मैं वहां से. और मेन डोर को लॉक करना. ओके. आइए सर, रखिए. भैया थोड़ा भगाइए ना. सर जी कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 8:30 की. अब सर जी अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से पहुंच जाएंगे. आई ये दवाई आपकी, थोड़ी देर में कुछ खाना भी खा लेंगे. खाना भी खा लेंगे. खाना? अच्छा, हेयरिंग एड भूल गई क्या? अरे देवा मैं इधर आंघोल करवाना ना ठेवली, वो नहाने गई थी तो निकाल के रख दिया, जब वापस नहीं जा सकते. नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई आगे दुकान देखेगी तो हम रोक लेंगे. अरे भैया कोई केमिस्ट की दुकान देखेगी तो रोक लेना. जी जी जी. दवाई आई खाना खाने के बाद? अभी नहीं. खाना वाना नहीं खाना मुझे, देखो सफर में जा रहे उल्टी हो गई. प्लीज आई खाना खाना पड़ेगा आपको, दवाई खाने का किसी का मन करता है क्या? नहीं ना, खाना पड़ता है हेल्थ के लिए, और खाना भी आपको खाना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए. बस मैं और नहीं सुनना चाहता, और आपकी इन्हीं आदतों की वजह से मैं आपको अकेला नहीं छोड़ता. मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ तुझे नाराज ना करूं, मैं पता नहीं क्या कर जाती हूँ. मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुमको नाराज ना करूं, कुछ ना कुछ कर ही देती. आई 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 रोती क्यों? अच्छा आई आई एम सॉरी आई प्लीज मेरा आपको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था. अगर आप
मैं मेरी गलती है, देखो वो खाने का मैं भूल गई। भाई भाई समझो बात को, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे दूंगा मैं आपको, इंसुलिन कैसे लगेगी आपको, और आपको कुछ हो गया तो वेरी सॉरी प्लीज प्लीज आप रो मत, जो बोलेगा मैं करूंगी, बस सारा इस मत बोलो। हां बिल्कुल, आप प्लीज चुप हो जाइए, चुप रोया मत करो मेरे साथ। लो पानी पियो। भैया कुछ खाने के लिए भी कुछ मिलेगा तो रुकना, घर बेचना नहीं चाहिए था हमें। भाई बहुत मेहनत कर, बस हम वो भी तो वहां पे घर ही है ना हमारा, वहां पे रागिनी है, प्रिया है, राघव है, सब है, सबके साथ रहोगे तो आपका मन लगा रहेगा और मैं भी आपका ध्यान दे पाऊंगा। बस अभी अभी रोना नहीं, मुझे मुझे बुरा लगता है। नहीं नहीं गाड़ी को रोक दी सर, वो रहा आपका केमिस्ट की दुकान। आई मैं देख के आता हूँ यहाँ पे हेयरिंग एंड मिलता है कि नहीं। हाय। हेलो रागिनी, बच्चे उठे हैं क्या? तुम लोग निकल गए? हाँ बस अभी निकले। आई कैसी है, कहाँ हो आप लोग? आई यहीं पे है, हम एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके। रागिनी Eyes feeling a bit low. Just talk to her, na. Sure. And get the kids also talk to her as well. हाँ, मैं देता हूँ फोन। आई, रागिनी। क्या हाल है आई? मैं भूल गई। क्या हाल है आई? ठीक हूँ। I understand आई। आपने सारी जिंदगी उसी घर में निकाला है। उस घर को छोड़कर आना इतना आसान नहीं होता। बेचने की जरूरत नहीं थी मुझे लगता है। आई अब जब इंडिया वापस जाना ही नहीं है तो वो घर रख कर क्या फायदा? ये भी तो घर है ना, हम सब हैं यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए और आपको प्यार करने के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं यहाँ। अब बस हो गई आई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप आ जाओ वापस, हम सब साथ में रहेंगे, आप बस इंजॉय करो। मेरे लिए सब कुछ तुम लोगे तो, मेरे लिए जिंदगी में जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ तुम्हारे लिए है, मेरी खुशी हो तुम लोग, बच्चे, तुम, बेटा, लेकिन बहुत मेहनत से बनाया था निवान के पापा ने वो घर, तो घर तो आपने भी प्यार से बनाया था, निवान भी तो वहीं पर बड़े हुए हैं, बट अब हम सब यहाँ रहते हैं अमेरिका में, देखिए अब वो छोड़कर आना ही पड़ा ना, तब जाकर कुछ बेटर हुआ ना, आपके लिए भी बेटर ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस अब फ्लाइट पकड़ो और जल्दी से यहाँ आ जाओ। दादी माँ, दादी माँ, आप अमेरिका कब आ रहे हो? अरे बेटा बच्चा, मैं बस ये क्या गाड़ी में है, अभी पहुंचेंगे। You're staying in America forever, right? हमेशा के लिए, सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के पास। तो फिर आप इतने sad क्यों हो दादी माँ? आपको हमारे साथ रहना नहीं है? No, I am not. मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों के अलावा मेरा कौन है और? हाँ? दादी माँ, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा क्योंकि प्रिया मुझको बहुत trouble करती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है। तुम इधर आकर प्रिया को डांटना। तुम दोनों मेरे साथ सोना। नहीं मैं सोऊंगी। नहीं मैं। 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 झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। मैं। मैं। मैं आ रही हूँ ना, तुम दोनों मेरे साथ सोओगे। ये। देखा आई कितने एक्साइटेड है बच्चे आपके आने से। घर वही होता है जहाँ पर फैमिली होती है। अब बस जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ, मेरी गारंटी है आप इंडिया भूल जाओगे। बस
हार है, खुश रहना, ठीक है? बाय बाय बाय। माँ जी आपकी फैमिली बड़ी चंगी है। हाँ? आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ बहुत बहुत सुंदर है जी, बहुत प्यार करती है मुझसे। आई ये हेरिगेंड मिला है, पता नहीं आपके वाला तो नहीं है, देखो। सुनाई देना चाहिए, कंपनी से क्या करना है हमें? बैटरी डाली? डली हुई है बैटरी। आवाज आ रही है? चिल्ला क्यों रहा है? हाँ ठीक है, ओके। चिल्लाने की आदत हो गई है तुझे। चलो भैया। चलो चलो। अरे ड्राइवर, मुझे गेट नंबर 3 पे रोक देना, मैं वहां जाके आई के लिए व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। व्हीलचेयर क्यों मेरे लिए? मैं चल सकती हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए व्हीलचेयर। अरे आई, वहां पे बहुत लंबी लाइन होती है और बहुत चलना भी पड़ता है, इसीलिए मैं बस यू गया और यू आया, ठीक है? सर मैं वहाँ इतनी देर गाड़ी पार्क नहीं कर पाऊंगा, फाइन लग जाएगा। अरे हाँ मुझे पता है, तुम आई को लेकर पार्किंग में वेट करो, मैं उनको वहीं लेने आता हूँ, तुम्हारा नंबर है मेरे पास। ठीक है सर। मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। आई मैं 1 मिनट में गया और 1 मिनट वापस आया, आप टेंशन मत लो, अंदर बहुत चलना पड़ता है सच में। ये किधर आ गए हम? माता जी सर ने यहाँ इंतजार करने के लिए बोला है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया? हाँ होना तो नहीं चाहिए था, पर व्हीलचेयर बहुत दूर मिलती है क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बोल के तो 10 मिनट का गए थे, पर पता नहीं अभी, मैं जरा देख के आता माता जी। क्या सैंडविच है? नहीं माता जी, आपको दवा लिए हुए काफी टाइम हो गया है, आप कुछ खा लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्यों खर्चा किया? नहीं वो सर ने बोला था आपको खिलाने के लिए, इसलिए मैं उनसे पैसे ले लूंगा, आप प्लीज खाइए। मेरा बेटा किधर है? माता जी वो आता ही होगा थोड़ी देर में, आप खाइए ना आप तब तक। अच्छा माता जी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ मेरी गाड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, काफी देर से बैठी है सर, उनका बेटा गेट नंबर 3 पे उतरा था, उनके लिए व्हीलचेयर लेने गया था, बोल रहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन अभी 2 घंटे हो गए नहीं आया, मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो गई, प्लीज आप देख लीजिए सर। नमस्ते माँ जी। पुलिस क्यों? माँ जी कोई बात नहीं, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या माँ जी? हाँ मेरे बेटे का वो साथी में उतर गया, वो बीच में गेट नंबर 3 पे उतरे। कौन से फ्लैट से जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अमेरिका? अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में मेरे बेटे का घर एयरपोर्ट के बाजू में है अमेरिका। आपके पास टिकट, पासपोर्ट, कोई डिटेल्स है?
यहाँ नहीं है, बेटे के पास है सब कुछ। सर लगता है इनके पास कुछ भी नहीं। फोटो चलेगी बेटे? हाँ, फोटो चलेगी, आप दिखाइए। फोटो है, मैं लेके चलती हूँ एक मिनट। आराम से माजे। आपके बेटे का नाम क्या है? निमंत विलास पाट। ठीक है माजी। अच्छा माजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा के आता हूँ। ध्यान रखना। जी सर। कुछ पता चला क्या? वो फ्लाइट तो चली गई। क्या? वो कमीना भी। भीगे पलकों से देखे रावो मां बलाए सो ले जो मुस्कुराए।